till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। और मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं समरान साहब, और आज ये हमारे लिए एक नई गाड़ी लेके आए हैं। इनसे पूछते हैं यार ये कौन सी गाड़ी है, इसका मॉडल एयर क्या है और इन्होंने कब बाय किया। तो अस्सलाम वालेकुम समरान भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। समरान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो यार, आपने दोबारा एक नई गाड़ी खरीदी है और आपने हमें टाइम दिया फिर से। तो आज का रिव्यू इसलिए भी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यार इनके पास ऑलरेडी नई वाली सिविक भी है और ये वाला जो इनसाइड का लेटेस्ट मॉडल है ये भी है। तो ये है कि इन दोनों का कंपैरिजन भी इनसे पूछेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है और प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले समरान भाई मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी का मॉडल एयर क्या है और इसका फुल मॉडल क्या है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स आते हैं। ये भजन 2020 मॉडल है, ठीक है, और 2022 की ये इम्पोर्ट है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी। सही है। और इसका मतलब मॉडल क्या है, ई एक्स वगैरह इसमें जैसे वेरियंट्स आते हैं, तो कौन सा वेरिएंट है? ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो इसमें आता है, EX ब्लैक एडिशन। अच्छा, ब्लैक एडिशन वाला मिल गया, सही हो गया। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि आपने कब बाय की है वाली गाड़ी? ये मैंने 2019 मॉडल थी मेरे पास पहले, व्हाइट कलर की। सही है। वो EX थी, वो लेदर डोज वाली थी, ठीक है। तो अब मैंने वो मैंने सील कर दी है अपने कजन को, तो अब मेरे पास ये ब्लैक गाड़ी, मैंने अभी खुद इंपोर्ट की है ये वाली गाड़ी। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इसकी जो शक्ल है ना वो थोड़ी थोड़ी सिविक एक्स के साथ मिलती है, इंटीरियर तो काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसे ही है, ठीक है। और फ्रंट के ऊपर आप देखें थोड़ी थोड़ी होंडा कोल्ड लगती है और बाकी जो सी है एक्स के साथ भी इसका दरमियान वाला हिस्सा सारा एक्स जैसा लगता है। तो मुझे बताइएगा कि आपने एक्स भी रखी है, आपके पास नई वाली सिविक भी है, तो मुझे बताइएगा कि आप इसकी प्राइस रेंज सबसे पहले बताएं व्यूअर्स को क्या है, और जो नई सिविक है आप क्या रिकमेंड करते हैं यार वो बाय करनी चाहिए इस प्राइस रेंज में, कि ये बाय करनी चाहिए, ये बाय करनी चाहिए। अच्छा, दोनों की प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस बताएं जरा। प्राइसेस जो 1.5 है ओरियल है उसकी तो तकरीबन 62 है, ठीक है, ठीक है। और जो RS है वो 70 के राउंड बाउंड है। हाँ जी। और अगर आप 70 पे जाते हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है कि 2019 मॉडल आपको 70 की गाड़ी जो है मिल जाएगी। सही है। तो 22 की इम्पोर्ट और 19 मॉडल जो गाड़ी है ना, तो वो आपको इतनी रेंज में मिल जाएगी। सही है। अच्छा ये है कि तीनों ये दोनों गाड़ियाँ जिसको हम कम्पेयर करें हैं 1.5 लीटर से। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, बस वो टर्बो है और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि यार जैसे 1.5 आपके पास ओरियल है अभी, ठीक है, टर्बो वाली, मुझे ये बताएं कि उसकी एक्सेलरेशन में ये भी 1.5 है, वो भी 1.5 है, तो वो बहुत ज्यादा अंडर पावर नहीं है इससे? वो बहुत अंडर पावर है, है ना। हाइब्रिड गाड़ी वैसे भी आपको पता है कि तेज होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही एक्वा भी देख लें आप। जी जी। तो ये 1500 सीसी है, इसकी बॉडी भी उससे बड़ी है गाड़ी अपना स्विक से, और इसकी पिक भी बहुत ज्यादा है और इसका कम्फर्ट भी बहुत अच्छा है उससे। बिल्कुल, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, तो फ्यूल एवरेज थोड़ा बताएं कंपैरेटिवली सिविक के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी क्या एवरेज आती है और उसकी क्या एवरेज आ रही है? उसकी तो 12-13 थी, मैंने आपको पिछले रिव्यू में भी बताया था जी, और इसकी जो है 20 है। अच्छा, लोकल स्पीड। जी बिल्कुल। और लॉन्ग के ऊपर आपने ड्राइव किया इसको? लॉन्ग पे भी किया। बिल्कुल। तो लॉन्ग पे इसकी क्या एवरेज आती है? लॉन्ग पे भी तकरीबन इसकी 17-18 है। 17-18 है, और अगर इसकी बिल्कुल नॉर्मली मैं गाड़ी चलाऊं और मैं लोकल, तो ये 20 प्लस भी जाती है गाड़ी। एक्वा जैसे 24 तक भी जाती है, मेरे पास एक्वा भी थी वो 24-23 किलोमीटर करती है, और ये भी 20 ये गाड़ी जो मेरी इजीली करती है। अच्छा थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी का बताते हैं, जैसे एक्वा भी थी तो मुझे बताएं कि एक्वा में जैसे उसमें आती है जैसे वो सिनर्जी ड्राइव होती है, ये जो उनकी है ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर सिस्टम इसकी टेक्नोलॉजी है, तो ये बताएं जैसे एक्वा थोड़ी देर उस पर बैटरी पावर पर चलाती है, जैसे स्टार्ट है या खड़ी हुई है वो थोड़ी सी चलती है, तो ये उस तरह से चलती है बैटरी के ऊपर की सिंपल इसका इंजन हर टाइम रनिंग में रहता है? नहीं, इसका वही सेम चीज है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका इंजन इसका ऑन होता है तो आपको इसकी वो आवाज आती है जब इसकी बैटरी ऑन होती है, तो यानी कि आप समझते हैं कि अब छोटा जैसा इन्होंने कर दिया, अब ये है कि बैटरीज पे भी चलती है और उसके ऊपर भी चलती। बिल्कुल ऐसी सेम ऐसी। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जोन सा एक्वा जैसे आपने वो भी 1.5 थी, जो भी 1.5 है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टॉर्क फिगर्स इसके उससे बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो
बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ, और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि यार अभी तक पाकिस्तानी जो रोड है उसके ऊपर जापानी गाड़ी है, तो जाहिर बात है स्पीड ब्रेकर के ऊपर लगती होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं ये लगती है कि नहीं। बिल्कुल, जैसे ये ओरियल होंडा है अपनी पाकिस्तान की, सेम वही चीज है ये। सही है, मतलब आपको रोड क्लियरेंस का कोई रोड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं इसके अंदर, एक्वा वगैरह में है बहुत ज्यादा और इसमें बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि यार प्राइस इसकी जो आपके पास ये 19 मॉडल है, सही है? ये 20 मॉडल है, ये 20 मॉडल है, ठीक है। तो 20 मॉडल जो है आज की प्राइस में, जैसे डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आज की प्राइस में इसकी क्या कॉस्ट होगी, मतलब कितने में कॉस्ट करेगी ये? आपको भी कॉस्ट करेगी 75+ 75 फिगर से लेके 80 तक आपको गाड़ी जो कॉस्ट करेगी आप आज इम्पोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप फर्ज करें कि RS टर्बो सिविक लेते हैं तो वो भी आपको इसके राउंड बाउट ही कॉस्ट करेगी, वो 70 के राउंड बाउट आपको कॉस्ट करेगी। अच्छा, और ये लेकिन थोड़े से उससे हायर साइड में चल जाते हैं, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले थोड़े से मेन मेन फीचर्स थोड़े से गाइड करें इसके, कि जैसे जो सिविक में नहीं आते और इसमें आते हैं, इसको लेने का जो मेन रीजन है वो क्यों है, लोग इस पे क्यों जाएं थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च के? मेन जो सबसे है तो वो सबसे पहले हाइब्रिड है। हाँ, फ्यूल एवरेज सबसे पहले इसकी जो है वो मेन इसका हाइब्रिड है। बिल्कुल, जो इसकी दूसरी चीजें इसके अंदर इसकी जो सीट्स हैं ना, बकेट सीट्स, वो यानी कि सीट्स हैं इसकी, कंफर्ट में बड़ा बंदे को बैठ के लग्जरी फील उसमें। हां, बकेट सीट्स हैं, बिल्कुल इसमें बड़ा लग्जरी फील। हाफ इसकी आपकी लेदर्स हैं, हाफ इसकी आपकी फैब्रिक है, और दोनों सीट जो इसकी है वो इलेक्ट्रिक है, दोनों ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों ये जो हैं इलेक्ट्रिक है, दोनों इलेक्ट्रिक। और इसके बाद ये हीटेड सीटें हैं। हाँ, हीटेड सीटें हैं। और इसके अंदर पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर, जो सिविक में नहीं है। सिविक में नहीं है, सिविक में है, रिवर्स में है, रिवर्स में मेरा ख्याल है। और इसमें एप्पल कार प्ले मिलता है आपको, जो उसमें 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 भी मिल रहा है हमें होंडा, जो VTI जो नहीं आई है, ओरियल में भी और सुपर में भी है, बिल्कुल उसमें भी है, लेकिन ये इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम का थोड़ा सा साइज उससे अच्छा है, और इसमें गैदर्स का लगा हुआ है, उसमें एंड्रॉइड सिंपल वाला लगा, और गैदर्स का रिवर्स बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, इसका अपना प्रीमियम साउंड सिस्टम है। इसके अंदर आपको ऊपर ट्यूटर ग्रिल्स मिल रही हैं, नीचे भी आपको स्पीकर्स मिल रहे हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी जो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेन फीचर में जैसे नई सिविक है उसके अंदर भी होंडा सेंस इन्होंने बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया उसमें, जैसे वो लेन कीप असिस्ट है और रडार शडार की ऑप्शन है, इसको पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं। वो पाकिस्तानी का तो मुझे पता नहीं है कि वो रडार वगैरह उसका चले या ना चले। अच्छा, लेकिन इस पे मुझे पूरा एतमाद है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फीचर है थोड़ा व्यूअर्स के भी? इसमें सबसे पहले ईवी है, फिर इसके स्पोर्ट्स मोड है, और फिर इसके बाद इसकी ये इको मोड है, और इसमें फिर पार्किंग सेंसर आते हैं, लेन कीप लेन असिस्ट है, और ऑटो रडार ब्रेक है इसके अंदर, और क्रूज है मेन चीज, अडैप्टिव क्रूज, अडैप्टिव क्रूज है। सही है, ये मेन चीज इसके जो फीचर्स मेन है इसके। तो अभी तक आपने इसका कोई ऑयल चेंज वगैरह करवाया है? जी करवाया, बिल्कुल करवाया। तो इसका अभी तक क्या इसका क्या खर्चा था? हाइब्रिड मैंने सुना है कि इसमें कम आता है, इसमें जो इंजन है वो थोड़ा सा ज्यादा चलता है। नॉर्मली जैसे पहले नॉर्मल गाड़ियां चलती है वैसे इसका इतना खर्चा नहीं है। तो जैसे आप होंडा का और टोयोटा का करवाते हैं जैसे गाड़ियों का, वैसे सेम इसका वही है। सही है। अच्छा, और मुझे मैं एक और चीज देख रहा था कि इसकी जो फ्रंट मिरर्स भी हैं ये भी थोड़े से टेंटेड है। हाँ, ये आपने पेपर लगाया हुआ है कि जेन्युइन टेंट है? ये जेन्युइन टेंट इसका है। सही है। हाँ, पीछे वाले ब्लैक है? हाँ, बिल्कुल, इसमें भी थोड़ा सा है, इसमें ब्राउन शेड आ रहा है। ब्राउन शेड आ रहा है। सही है। फ्रंट वाला जो सा है वो भी इसके ऊपर मैंने देखा है कि यहाँ पे ब्लू टेंट आ रहा है सारा, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो सा सिंपल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी अगर आपके पास दोबारा इतने पैसे हों और आपने इस बजट में गाड़ी लेनी है, तो आप सोनाटा लेंगे, सिविक लेंगे, नहीं या ये लेंगे? होंडा इनसाइड या सोनाटा? होंडा इनसाइड या सोनाटा। और अगर सोनाटा में से आपको एक चूज करनी पड़े, सोनाटा लेनी पड़े या ये, तो फिर आप कौन सी लेंगे? ये मैं यही लूंगा। उसकी क्या रीजन है? हालांकि सोनाटा 2.4 लीटर है तो वो भी बड़ी अच्छी गाड़ी है। इसकी फ्यूल मेन चीज फ्यूल ही है। हाँ, और इसमें भी बैठ के उसमें भी एक बैठ के लग्जरी फील होता है, इसमें बैठ के लग्जरी फील होता है। बिल्कुल, कंफर्ट दोनों का सेम ही है। हाँ जी, वो कोरियन ब्रांड है। हाँ, ये जापानीज ब्रांड है, ब्रांड है बस। अच्छा, फीचर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सिर्फ जो मुझे लगती है ना कमी, उसमें एयर बैग्स की कमी है। उसमें 6 एयर बैग, इसमें 8 है, ठीक है, एयर बैग इससे थोड़े से दो कम है, लेकिन उसमें जो 2.0 लीटर उसमें से 2 एयर बैग है ऐसे ही। लेकिन मेन चीज जो भाई है कि इसके अंदर आप ये रेगुलर यूज कर सकते हैं। हाँ, सोनाटा रेगुलर आप यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसमें यह कि फ्यूल की जो सी है ना वो 10-11 के अराउंड 12 तक भी जाए तो फिर भी वो चीज नहीं है जो ये है। यहाँ जितनी आपने बताई है, अगर 19-20 आपको दे रही है, ये आप रेगुलर रूटीन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पेट्रोल महंगा हो गया मेरे हिसाब से, ये लाइफ सेवर इस टाइम चीज बन गई है ना। ऐसे 180 रुपए लीटर तो अभी चल रहा है, अब देखें आगे हमारे पर क्या बम्प होता है। अच्छा भजन, ये बताएं कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं
तो आप कोई ऐसी चीज मिस करते हो यार कि इतने पैसे लगाने के बाद ये चीज इसमें होनी चाहिए थी? सनरूफ। हाँ मैं भी ये देख रहा था कि इसके सनरूफ वाकई मिसिंग है, इसमें किसी वेरिएंट के अंदर नहीं आता। नहीं इसमें नहीं आता, हालांकि यूज भी इतना नहीं होता, बस एक फ्यूचर है। हाँ मतलब एक्स्ट्रा सिविक आप ले रहे हैं यार, एल्सविन ले रहे हैं आप, उसके अंदर आपको सनरूफ मिल रही है, 75 लाख लगा के आपको नहीं मिल रही। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सोनाटा में आपको ये है कि यार ऊपर पीछे तक पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है उसमें, लेकिन ये एक थोड़ा सा इसका आप कह ले डाउनसाइड है। अच्छा व्यूअर्स ये था जी आज का जो रिव्यू है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और समरान भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की थी आज के रिव्यू के लिए, इनकी वजह से रिव्यू पॉसिबल हुआ है। इनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी रिव्यूज बनाएंगे और इनकी गाड़ियों के साथ, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा प्रियस का 2019 मॉडल 8 टोरिंग प्रीमियम का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला।